नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा। मैं टैरोकार्ट रीडर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। यदि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी भी कुंडली दिखाना चाहते हैं या टेलीफोनिकल अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो भी इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए मई महीना कैसा रहेगा। कुछ ओवरऑल, कुछ थोड़ा सा हम संक्षिप्त में बताते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये महीना क्या लेकर आ रहा है। इस महीने पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। महीने की शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएगा 3-4 डेट्स के आसपास कि पैसा कमाने के ऑप्शन आ रहे हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, दिमाग में आइडियाज़ भी आ जाएंगे। आप नए स्थानों पर, मुझे ऐसा दिखाई देता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों से आप जुड़ेंगे, मुलाकात करेंगे, या आप जा भी सकते हैं, कहीं यात्रा कर भी जा सकते हैं, या कोई लोग आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। बहरहाल ये बोल सकते हैं कि आपको अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। यात्रा के लिए भी आप दूर जा सकते हैं, तो भी आपको काफ़ी अच्छे लोगों से मिलना हो सकता है जो आपको आगे जाकर बेनिफिट देंगे। इस महीने की शुरुआत में ही आप बहुत, कहते हैं ना, शांति तरीके से, शांतपूर्ण तरीके से ऊर्जावान रहेंगे कि मुझे तो कुछ करना है, मुझे तो ये चीज़ करनी है। आपके माइंड में पूरी चीज़ है, काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी बड़ी रहेगी, ज़बरदस्त तरीके से इच्छा शक्ति के साथ आप भरे रहेंगे। सोशल वर्क में काफ़ी आप एक्टिव हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं, और जैसे कहा जाता है ना, परोपकार का काम, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद कर देना, इसमें भी आप एक्टिव रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी यदि आप बहुत टाइम से एक्टिव हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। आप खुद अपने आय के नई ऊंचाइयां फील करेंगे। देखिए, वैसे भी कहा जाता है किसी की आप मदद करते हैं ना तो 3-fold कर आपके पास आती है, तो इस महीने आप ऊंचाइयों को छूते हुए मुझे नज़र आते हैं अपने काम के ज़रिए। तो आपको दुआएँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, अपने आप को आप कामयाब महसूस करेंगे। मन ऐसा होगा जैसे ना मन में कुछ करने की चाह कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, पैसा भी बढ़ रहा है। एक होता है इंसान पैसा कमाता है लेकिन मन की शांति नहीं मिलती, मन की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तो मुझे आपकी सेटिस्फैक्शन मिलती हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं सेहत का ध्यान रखिए, इन्फेक्शन ना हो आपको किसी चीज़ का। थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना खांसी से रिलेटेड, जुकाम से रिलेटेड, इन्फेक्शन से बचिएगा, सावधान रखिए और मास्क का इस्तेमाल आप करिएगा। जैसा कि आप भी सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर दोबारा से कोविड की दस्तक हो रही है, तो प्रिकॉशंस लेना सबसे समझदारी का काम है। तो आप सावधान रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी को रास्ता दिखाते हैं, वरना हर कोई तो धक्का मार के गिरने वाला ही होता है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आदमी आपको मार्गदर्शन दे सकता है जो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपके करियर में नई ऊंचाइयां आपको दिला सकता है। वो आपके घर के कोई बूढ़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में आपसे बड़े भी हो सकते हैं जो आपको मार्गदर्शन देंगे, जिनकी वैल्यू आप, जिनकी एडवाइस की वैल्यू आपके लिए बहुत होगी। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। अब बात करते हैं कुछ ऐसी डेट्स की जो आपके लिए शुभ हैं। 2, 3, 4, 6, 7, 24, 25 और 26, ये डेट्स आपके लिए काफ़ी शुभ हैं। जो कार्य करना चाहें आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी डेट्स की जो आपके लिए शुभ नहीं हैं। 1, 9, 10, 17, 18, 19 और 27, ये डेट्स आपके लिए शुभ नहीं हैं। इन डेट्स पर आपको स्टार सपोर्ट नहीं कर रहे। यदि कोई काम करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो ये मेरा चैनल आप देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।